नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। कैराना लोकसभा में नामांकन के आठवें दिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा अहसन द्वारा अपने प्रस्तावकों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान सपा नेता सुधीर पवार द्वारा लाल टोपी पहनकर नामांकन कक्ष में जाने का विरोध किए जाने पर पुलिस अधिकारियों के साथ बहस भी हुई। पुलिस अधिकारियों ने चुनाव का आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सपा नेता द्वारा लगाई गई लाल टोपी को उतरवा दिया। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर को पूरी तरह छावनी में तब्दील किया गया। एसपी अभिषेक समेत जिले के तमाम पुलिस अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के लिहाज से नजरें गड़ाए हुए दिखे गए। देखिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। चोरी से थोड़ा ही लगाऊंगा। ये पिक्चर अरे हो गया, कब भरोगे? क्या आ जाएंगे? क्या बनना है? मंजू मैडम, ये आना चाह रहे हैं? हाँ, हमने कह दिया प्रस्ताव में ही बाहर आ जाएंगे। आप वेट कर ले, लीजिए जाइए। चल या तो कहीं आपके पास आदेश हो, कौन सा अधिकारी है?